नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बारूपाल। मैं फ़िलहाल मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, सारा देश इसकी चपेट में आ रहा है। धीरे धीरे भारत सरकार ने सब जगह छुट्टियां कर रखी है। मैं भी पिछले 7-7 दिन से घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला हूँ, और मैं आपसे भी विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप भी घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, घर के अंदर रहे, अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे, अपने देश के लोगों के बारे में सोचे। इसी दौरान घर के अंदर बैठे बैठे मैंने एक आइडिया सोचा और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक अच्छा काम किया जाए। तो मैंने एक चैनल बनाया बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, बायोलॉजी ऑन ट्रैक्स बाय डॉक्टर बारूपाल। इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी के विद्यार्थियों को बायोलॉजी को आसान तरीके से सीखने की उम्मीद मिलेगी, अच्छे से वो सीख पाएंगे। कठिन विषय को सरल बनाने की कोशिश करूँगा मैं। आज मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ जो कि जनरली बहुत बार यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोपी से संबंधित इकाइयों के बारे में, सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवों का मापन किया जाता है, कितने इसकी साइज क्या है, एंगस्ट्रोम में क्या है, मिलीमीटर में क्या है, माइक्रोमीटर क्या है, एंगस्ट्रोम में क्या है, माइक्रोमीटर में क्या है, मिलीमीटर में क्या है, नैनोमीटर में क्या है, तो इसको आपस में कैसे चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में। तो देखिए, ट्रिक्स का नाम है मुन्ना। मुन्ना में ये एम जो है, एम रिप्रेजेंट करता है मिलीमीटर को, यू रिप्रेजेंट करता है माइक्रोमीटर को, एन रिप्रेजेंट करता है नैनोमीटर को, ए रिप्रेजेंट करता है एंगस्ट्रॉम को। इसकी मीटर में क्या वैल्यू होगी? इसकी मीटर में वैल्यू को ज्ञात करने के लिए मान लो ये कोई छड़ है जो कि 1 मीटर लंबी है। इस छड़ के अगर 1000 टुकड़े किए जाए, अगर 1000 टुकड़े किए जाए तो जो 1000वां भाग होगा टुकड़े का, सबसे छोटा भाग जो 1000 भाग होगा वो कहलाएगा मिलीमीटर। इसका मीटर में मान ज्ञात करने के लिए आपको 3 का पहाड़ा याद करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और लास्ट में आपको 10 का दम दिखाना है। तो 10 की पावर 3 -3 मीटर बराबर मिलीमीटर होता है, 10 की पावर -6 मीटर बराबर माइक्रोमीटर, 10 की पावर -9 नैनोमीटर, और 10 की पावर -10 बराबर एंगस्ट्रोम होता है। तो अगर कहने का मतलब है 10 की पावर 3 1000 टुकड़े करोगे, 10 की पावर 6 टुकड़े करोगे, 10 की पावर 9 टुकड़े करेंगे तो नैनोमीटर बनेगा, और 10 की पावर 10 टुकड़े करेंगे तो एंगस्ट्रोम बनेगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे एक दूसरे को चेंज करने में, यूनिट को आपस में, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आइज, मनुष्य की आंख की विभेदन क्षमता का एक उदाहरण लेते हैं। तो मनुष्य की आंख की रिजॉल्विंग पावर होती है, बहुत सारी किताबों में 0.1 mm दे रखी है, लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़े एडवांस हो गए हैं तो मिलीमीटर में न देकर के कभी कभी एंगस्ट्रॉम में देते हैं, कभी नैनोमीटर में देते हैं, और कभी कभी माइक्रोमीटर में देते हैं, तो हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसको मिलीमीटर से एंगस्ट्रॉम की तरफ बढ़ते हुए किस प्रकार से चेंज करना है, 0.1 mm, तो मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में पहले चेंज करते हैं। तो मिलीमीटर और माइक्रोमीटर के मध्य डिफरेंस है 10 की पावर 3, और माइक्रोमीटर और नैनोमीटर के मध्य डिफरेंस है 10 की पावर 3, और नैनोमीटर और एंगस्ट्रोम के मध्य डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है।
तो जैसे जैसे इधर निकलेंगे, मिलीमीटर से एंगस्ट्रॉम की तरफ बढ़ेंगे, तो गुणा करेंगे तो 0.1 mm को 1000 से गुणा किया तो 100 माइक्रोमीटर आया, इसको वापस 1000 से गुणा किया तो 10000 नैनोमीटर आया, और 10 से गुणा किया तो आया 100000 एंगस्ट्रॉम आया। इस प्रकार अपन मुन्ना नाम की ट्रिक्स को यूज करते हुए अपन याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी माइक्रोस्कोप की इकाइयां होती है, माइक्रोस्कोपी की इकाइयां होती है जिसको अपन यूज करते हैं दैनिक जीवन में। और उसके साथ साथ एक एग्जांपल यहां पे रख रहा हूं कोरोना वायरस की साइज का। तो कोरोना वायरस की साइज होती है 150 से लेकर के 160 नैनोमीटर के बीच होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप भी इसको चेंज कर सकते हो, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में। तो दोस्तों आप अपने मुन्ना को संभाल के रखिए, कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोना वायरस से होने वाला रोग। तो कोरोना वायरस से जो रोग होता है उसको एक WHO ने नाम दिया है COVID-19। ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द WHO। इस नाम को ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, WHO ने इसको डिक्लेयर किया है। और COVID-19 नाम क्यों रखा गया, देखिए आप लोग, कोविड में CO जो है वो कोरोना वायरस को बताता है और CO कोरोना को बताता है, VI बताता है वायरस को, और D4 disease और 19 का मतलब है 2019। तो दोस्तों कोरोना वायरस सबसे पहले चीन की वुहान सिटी है वहां पर प्रकट हुआ 8 दिसंबर 2019 को। इस कारण इसका नाम रखा गया COVID-2019। इमेज हुआ 8 दिसंबर 2019 को कौन सी सिटी में, वुहान सिटी जो कि चीन में है। जबकि वायरस की पैथोजन के रूप में इसकी पुष्टि की गई 9 जनवरी 2020 को इस रोगकारक वायरस के रूप में इसकी पुष्टि की गई। और इस वायरस का नाम ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस इंटरनेशनल कमेटी कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इसके द्वारा इस वायरस का नाम दिया गया
SARS, 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 CoV 2 रखा गया इसका नाम। SARS CoV 2 क्यों रखा गया? SARS का मतलब होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 रखा गया। 2 इसलिए दिया गया नाम, इसी के समान एक वायरस 2003 में भी खोजा गया था, तो इस कारण इसका नाम रखा गया SARS CoV 2 रखा गया। इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इससे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, वो अति तीव्र गंभीर लक्षण पैदा होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, उसके साथ साथ कफ भी आता है और बुखार भी आ सकता है, निमोनिया जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं रोगी के अंदर। और WHO ने इस रोग को पैंडेमिक रोग कहा है, पैंडेमिक रोग। पैंडेमिक रोग का मतलब होता है सर्वव्यापी, ऐसा रोग जो वर्ल्ड के सभी देशों में पाया जाता हो वो रोग कहलाता है सर्वव्यापी रोग। और इस वायरस की खासियत क्या होती है? इस वायरस की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर्स होती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है, इसका आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं WHO के बारे में। WHO इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक विश्वव्यापी संगठन है जो कि पूरे विश्व के जितने भी मनुष्य है, मानव जाति है, उनके स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती है, जितना संभव हो सके उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, डिजीज फ्री रहे, किसी भी प्रकार का कोई रोग न हो। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा में हुई। जेनेवा कहाँ है? बजरंगी भाईजान देखी आपने? वहां पे बोलते हैं स्विट्जरलैंड, मुन्नी ये तो स्विट्जरलैंड है। तो जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो डायरेक्टर है, वर्तमान में जो डायरेक्टर है टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम इसका जो डायरेक्टर है टेड्रोस अधानोम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।